कि पिछले दिनों सऊदी अरब के अंदर एक मुकाबला हुआ, उसके अंदर एक नाबीना लड़का, उसको अव्वल इनाम मिला है किस बात में, 16 हदीस की किताबों का हाफिज है, जिसमें बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद नसाई तिर्मिजी इब्ने माजा सिया सित्ता तो है ही, 16 किताबों का हाफिज। जब उस लड़के से उलमाए किराम बैठे हुए, तो वो उलमा मशाइख जो खुद बहुत बड़े बड़े आलिम है, वो बैठ के उससे तुर्की बतुर्की ऐसे सवाल कर रहे, उससे हदीस, हदीस का मतन, हदीस के रावी, किस किताब के अंदर, किस बाब में, किस जिल्द में, किस सफा नंबर, किस हदीस नंबर के तहत है, वो लड़का यूं बता रहा है फर। अब भाई मेरे समझना था बात, ये सिर्फ कुरान के हिफ्ज की बात नहीं हो रही है, हदीस की 16 किताबें हिफ्ज है, उसको किस दर्जे पर वो लड़का पहुंचा हुआ होगा आप अंदाजा करें। अब मसला ये है, ये वीडियो चलती फिरती अगर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो दीनदारों की वॉल्स के ऊपर मिल जाएगी, ये थोड़ी मिलेगी टिकटॉक पे, ये थोड़ी मिलेगी गूगल पे, ये थोड़ी एकदम मिल जाएगी यूट्यूब पे। क्योंकि मसला ये है, रीचिंग मिलती है वीडियोस को उसके व्यूज से, और व्यूज आदमी के आते हैं उसके अपने जौक और शौक से। भाई क्या देखना पसंद करता है, डांस देखना पसंद करता है तो वही सारे व्यूज जा रहे होंगे ना। और अगर अपने दीन को, सकाफत को, जनरल नॉलेज को, तहजीब को, तमद्दुन को, इन चीजों को सामने रखता है, साइंस को, इनको सामने रखता है, तो फिर व्यूज इधर आएंगे, तो इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी। यूं मोबाइल खुलते ही सामने कौन सी वीडियो आती, वही वीडियो आती, लेकिन अभी कौन सी आती है, डांस की आती है। अभी कौन सी आती है, अभी वो कोई बेवकूफी से भरे किसी टिकटॉक की वीडियो आ जाती है।